Guys, welcome to this channel, The Sun Bless. And the reading which I'm having today is for Leo. ये जो reading आज मैं लेके आई हुई Leo के लिए लेके आई हूँ for their next 24 hours for their relationship. कि Leo के लिए जो next 24 hours हैं उनके relationship के लिए कैसे रहने वाले हैं. And this is a timeless reading, so you can watch out this reading by any of the sign and any time. ये आप इस reading को कभी भी देख सकते हैं. ये इस reading की कोई limit नहीं है, एक कोई time limit नहीं है. आप इस reading को कभी भी देख सकते हैं. और इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, वीनस साइन, किसी भी साइन से देख सकते हैं. अगर आप लियो हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो यू कैन वॉच आउट दिस रीडिंग जनरली. अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए. सो आई एम शफलिंग योर कार्ड्स. टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फ्यूचर और एनी ऑफ द फ्यूचर नोटिफिकेशन. And this reading can be cross watches also. Reading cross watches भी हो सकता है. It may happen that this reading resonates by you, not by your person. Or this reading resonates not by your person, it can resonate by you also. So cross watches भी हो सकती है ये reading. हम card को अच्छे से shuffle कर लेंगे. So that whatever results we get are positive and accurate. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एज द डॉग्स आर वॉकिंग आउटसाइड. सो आपके कार्ड शफल हो चुके हैं, देख लेते हैं. लेट्स सी व्हाट आर योर कार्ड्स. इट्स फोर ऑफ कप्स द फर्स्ट कार्ड. द नेक्स्ट वी आर हैविंग द वर्ल्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड. देन फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, Five of Swords, Five of Wands, Three of Cups, Seven of Swords, Eight of Swords, Page of Pentacles. So these are your cards, Leo, for your next 24 hours of your relationship. कि आपका जो रिलेशनशिप अगले नेक्स्ट 24 आवर्स में कैसा रहने वाला है. सो वी आर द फर्स्ट वेरी अट्रैक्टिव कार्ड विच आई एम हैविंग हियर इज द फाइव ऑफ सोर्ड्स, सॉरी द फाइव ऑफ वैंड्स. इसमें देखने से ऐसा फील हो रहा है जैसे लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो फील इट. कार्ड इज इट सेल्फ रिप्रेजेंटिंग. कार्ड अपने आप में ही बता रहे हैं एक लड़ाई, झगड़ा, एक समथिंग लाइक विच इज दैट योर रिलेशनशिप वॉज नॉट वर्किंग परफेक्ट एट ऑल. आपका जो रिलेशनशिप था वो पास्ट में शायद ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, कुछ दिन पहले तक, मे बी रिसेंटली एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसगाइड टाइप ऑफ कंडीशन, अनसेटिस्फैक्शन, सब कुछ ठीक से नहीं चल रहा था, ठीक से परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा था. बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी पास्ट में और दैट्स वाई वी आर हैविंग हेयर द एट ऑफ वैंड्स विच इज़ रिप्रेजेंटिंग. एक लॉन्ग डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस, लाइक वी कैन से दूरी आ गई बहुत ज़्यादा. एक मिसकम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है, अपने दूसरे से अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो जिस शायद पास्ट में आप करते थे. और वहीं पर मुझे एक पर्सन दिखाई दे रहा है, अ पर्सन हु इज़ वेरी मच सैड एंड वेटिंग एंड एज वेल ही इज अलोन ऑल्सो. एक पर्सन है बहुत ज़्यादा अकेला खड़ा हुआ है, बिल्कुल अकेला. उसके आसपास कोई भी नहीं जिससे वो अपनी बात को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सके, बता सके कि वो क्या कहना चाहता है, क्या फील कर रहा है. हेयर ऑल्सो वी कैन सी एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है. मे बी एक वेटिंग पोजिशन को भी बता रहा है कि वो किस चीज़ का वेट कर रहा है. एंड बट वी आर हैविंग हेयर वेरी पॉजिटिव कार्ड द वर्ड विच इज़ रिप्रेजेंटिंग. एक गॉड का ब्लेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि द वर्ड के कार्ड से हमें फील हो रहा है कि जो गॉड है वो इस वक्त आपके जो रिलेशनशिप है उसे ब्लेस कर रहे हैं. हेयर ऑल्सो हम एक देख सकते हैं क्लाउड से एक हैंड आ रहा है, लाइक वी कैन से एक
गॉड ने अपना कुछ को ब्लेस किया है, गॉड का हैंड है जो सैड पर्सन को बता रहा है कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पास्ट में सब कुछ अच्छा किया था, एफर्ट्स पुट किए थे, बहुत हार्ड वर्क किया था, तो आपका जो जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इस वक्त प्रॉब्लम से घिरा हुआ फील कर रहे हो, तो आप उस चीज़ से ज़रूर जल्दी निकल जाओगे और बहुत सारे जो पॉजिटिव चेंज है वो आपकी लाइफ में आएंगे। लाइकवाइज वी कैन से आपको जो इस अपकमिंग टाइम में है वो गॉड ब्लेस करने वाले हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एक सेलिब्रेशन टाइप ऑफ कार्ड भी है और एक पर्सन जो हैप्पी है अपने पेंटिकल के साथ, और यहाँ पे थ्री विमेंस वी कैन से काइंड ऑफ सेलिब्रेशन अपने थ्री कप्स से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी किसी हैप्पी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी पॉजिटिव चेंज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइकवाइज वी कैन से कि आगे आने वाले 24 आवर्स आपकी जो रिलेशनशिप है उसके लिए अगर पास में नहीं भी अच्छा था तो अच्छा मुझे चेंजेस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी अगर आप रियूनियन का वेट कर रहे थे तो आपके जो पर्सन है वो वापस आ सकते हैं। न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे थे, आपको जो आपको एक न्यू बिगनिंग मिल सकती है। सो आपके आने वाले 24 आवर्स है लियो के लिए, वो मैं कह सकती हूँ एक अच्छा चेंज लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं। सो गाइस, आई होप दैट दिस रीडिंग ऑफ माइन रेजोनेट्स टू यू। टिल द टाइम टेक एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ कमेंट करके बॉक्स में बताइएगा कि आपकी जो रीडिंग है आपके साथ कितना रेजोनेट हुई। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।